सुबह सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर के बयानों को लेकर घमासान जारी है। सहयोगी दलों पर हार का ठीकरा फोड़ने के साथ ही सिंबल बदलने तक की बात राजभर कह चुके हैं, लेकिन अहम बात यह है कि ऐसी बयानबाजी आखिर करते क्यों हैं? कैसे ओपी राजभर के बयान अक्सर उन्हें ही परेशानी में डाल देते हैं, देखिए जरा ये रिपोर्ट। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के विवादित बयान चर्चा का विषय बने हुए हैं। बीजेपी को छोड़कर एसपी के पास गए राजभर एक बार फिर एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन समय समय पर विवादित बयान देकर सुर्खियों में बने रहते हैं और ऐसा करके वो पिछड़ी जातियों समेत अपने वर्ग में अपने कद को पैठ को मजबूत करने का काम करते हैं। हाल ही में सुर्खियों में उनका वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि घोसी में चुनाव हारने के पीछे सहयोगी पार्टियां जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। हद तो तब हो गई जब राजभर ने अपने बयान में मोदी योगी का भी जिक्र कर दिया। हमारी पार्टी ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट दिया और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, अच्छा धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की भी जरूरत है, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है। इससे पहले ओपी राजभर अपनी पार्टी की समीक्षा बैठक में बेटे की हार के लिए अपने चुनाव चिन्ह को ही दोषी ठहरा चुके हैं। उनकी माने तो छड़ी ही उनके लिए लाई है मुसीबत की घड़ी। हम लोगों को अपना सिंबल बदलना है, बोलो कितने लोग तैयार हो, जरा हाथ उठाओ। आज से हम लोगों को अब छड़ी अपने दिमाग से निकालना है, ठीक न? अब हम लोगों को उसका नाम नहीं लेना, अब आगे आने वाले दिनों में हम लोग चुनाव आयोग का जो फ्री सिंबल घोषित होता है उसमें से हम लोग बैठ करके चिंतन करके उस सिंबल लेके आ रहे हैं जल्दी एक महीने के अंदर, तो फिर उसका हम लोग प्रचार करेंगे क्योंकि हम लोग कई चुनाव में इसको झेले हैं। ओपी राजभर के पार्टी सिंबल बदलने वाले बयान पर उनके साथी रहे महेंद्र राजभर का तंज सामने आया। मौजूदा वक्त में अपनी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी चला रहे महेंद्र राजभर ने ओपी राजभर को लेकर कहा कि पार्टी सिंबल बदलने से कुछ नहीं होगा, हमारी पार्टी में आ जाइए आपको पूरा सम्मान मिलेगा।